दोस्तों आज हम बात करेंगे सेंट बर्नार्ड के 10 फैक्ट्स के बारे में। जो आप अच्छे से नहीं जानते तो देखते रहिए पूरी वीडियो, फिर आप अच्छे से जान जाएंगे सेंट बर्नार्ड के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, सेंट बर्नार्ड ब्रीड का जन्म 2 डॉग के क्रॉस से हुआ है, लेकिन ये बात अभी तक रहस्य है कि ये 2 डॉग कौन से हैं। कोई लोग कहते हैं कि ये डॉग कोई माशिफ है या फिर कैटल डॉग है या फिर बर्नीस माउंटेन डॉग है, लेकिन ये बात कोई भी अच्छे से नहीं बता सकता कि ये 2 कौन से डॉग हैं। फैक्ट नंबर 2, मालिक का वफ़ादार। सेंट बर्नार्ड मालिक के बहुत वफ़ादार होते हैं। अपने अगर कुत्ता पाला होगा तो आपको मालूम होगा बहुत सारे कुत्ते जब खाना खाते हैं और आप उन्हें टच करोगे तो वो काट देंगे, लेकिन सेंट बर्नार्ड ऐसा कुछ नहीं करता। अगर आप इसे घर में अकेला छोड़ दोगे तो ये रोते हैं और खाना भी नहीं खाते। फैक्ट नंबर 3, बच्चों के साथ व्यवहार। सेंट बर्नार्ड एक बहुत इंटेलिजेंट डॉग है। इन्हें मालूम है बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है। ये बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और उनके एक बूंद भी कष्ट नहीं देते, इसलिए इसे फ्रेंडली डॉग और फैमिली डॉग कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, रेस्क्यू डॉग। सेंट बर्नार्ड को एज अ रेस्क्यू डॉग यूज़ किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड में 11 सेंचुरी के दौरान सेंट बर्नार्ड ने 2000 लोगों की जान बचाई है जो लोग बर्फ़ में फंसे थे। इनके कॉलर में एक ब्रांडी होती है जिससे ये लोगों को पिला के गर्म कर सकें। फैक्ट नंबर 5, लंबा चलना। सेंट बर्नार्ड बहुत आलसी डॉग होते हैं, लेकिन इन्हें लंबा चलना बहुत पसंद है, खासकर फैमिली के साथ। सेंट बर्नार्ड को रोज 5 किलोमीटर वॉक की ज़रूरत होती है, तभी ये हेल्थी और इनका बोन स्ट्रॉन्ग रहता है। फैक्ट नंबर 6, नाना। सेंट बर्नार्ड को नाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इनका कोट बहुत भारी होता है और नहाने के बाद बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं, तो आपके पास है तो इसे 3 वीक में एक बार नहलाइए। फैक्ट नंबर 7, टेम्परेचर। सेंट बर्नार्ड को ठंडी जगह ही पसंद है। अगर आप इसे गर्म जगह पर रखोगे तो ये 1 साल के अंदर मर जाएंगे। इंडिया में जो लोग पाले हैं वो इसे एसी कमरे में ही रखते हैं। फैक्ट नंबर 8, इजी टू ट्रेन। सेंट बर्नार्ड को ट्रेन करना बहुत इजी होता है। इसे आप खुद यूट्यूब में वीडियो देख के आराम से ट्रेन कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड में भी जब रेस्क्यू मिशन होता था तो सेंट बर्नार्ड के जो पिल्ले होते थे उनको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने से बड़े सेंट बर्नार्ड को देख के खुद ब खुद ट्रेन हो जाते थे। फैक्ट नंबर 10, जाइंट साइज। सेंट बर्नार्ड का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। अगर आप इसे पालना चाहते हैं तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका घर बड़ा है कि छोटा है। ये छोटे घर में अच्छे से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सेंट बर्नार्ड का जो वेट होता है वो अभी माने तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा वेट एक सेंट बर्नार्ड का था, वो था 156 kg। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए, और आपको सेंट बर्नार्ड पालना है या आपको प्राइस के बारे में कुछ डाउट है तो मेरी एक वीडियो है सेंट बर्नार्ड प्राइस इन इंडिया, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। उस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना जहाँ आप रहते हैं। मैं अभी हर किसी का रिप्लाई किया हूँ तो मैं आपका भी रिप्लाई कर दूँगा। धन्यवाद।